इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सभी जानते हैं कि बल्दिया इंतखाबात के लिए कई सारी मुल्की सतह की पार्टियां यहां पर शरीक हो रही हैं। कई सारे पार्टियों अपने निशान पर पहली मर्तबा यहां पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। लिहाजा इसमें सबसे अहम बात जो है HDPI, जो एक कौमी पार्टी के नाम से जानी जाती है और मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए हमेशा पेश रहती है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं HDPI के आबिद खान कड़ोली साहब। तो आबिद खान कड़ोली साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तकबाल। बताइए कि जिस तरह से ये एक अकलियती वार्ड है जहाँ से आप रुके हो, तो जिस तरह से काम होना था वो उस तरह से नहीं हो पाया। यकीनन फ्लड हो या कुदरती आफतें जो भी आती हैं उसमें HDPI पेश रहती है, लेकिन कुछ ज़मीनी सतह पर काम करना बाकी है ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आप अगर मैदान में उतरे हैं तो जीतने की कितनी इम्कान आते हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम आबिद खान है, मैं वार्ड नंबर 12 से कंटेस्ट कर रहा हूं और मेरा सीरियल नंबर 2 है, ऑटो रिक्शा मेरा सिंबल है। तो जैसे कि अभी रिपोर्टर साहब ने पूछा है कि हमने क्या काम किया है ज़मीनी सतह पर, आप देख सकते हैं कि पब्लिक का रिस्पांस क्या है। जब यहाँ पर फ्लड्स आए थे उस वक्त कोई भी पार्टी से या फिर किसी भी एक ग्रुप से कोई आके फर्स्ट काम नहीं किया था। जिस वक्त हमें पता चला कि इस घर के डहलीज तक पानी आ गया है, हमने उसी दिन से उसी मिनट से काम को स्टार्ट कर दिया था। और आप जाए तो उस एरिया में जाके भी वहाँ लोगों से आप पूछ सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर काम किसने स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह HDPI एक ऐसी पार्टी है जो मफाद देखकर काम नहीं करती, ज़रूरत देखकर काम करती है। जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उस वक्त जाकर अपना जान माल वक्त अपने कैडर्स को रेडी करके काम करने पे लगी रहती है। और जहाँ तक आपने देखा है कि कोविड में भी, जिस वक्त कोविड में जिसके माँ बाप का इंतकाल हो जाता है तो उनके बच्चे भी नज़दीक जाने से कतरा रहे थे, उस वक्त हमारे कैडर फील्ड में उतर कर बिना किसी झिझक के हर उस काम को अंजाम दिया है जो उस वक्त की ज़रूरत थी। तो हमने कम से कम 100 से ज़्यादा मौतों को दफनाया है, मौत होने के बाद में दफनाए हैं, और 200 से ज़्यादा पेशेंट्स भी देखे हैं। नियर अबाउट 196 के ऊपर हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया है। तो ऐसे हमारे जो भी है सोशल वर्क हमने किया है यहाँ पर इस वार्ड में, इसलिए हमने पूरे बेलगाम में एक ही वार्ड में एक कैंडिडेट उतारा है। दूसरे पार्टियों के जैसे हम जहाँ पर चाहे वहाँ पर जहाँ हमारा दिल करता है हम चलो उतारेंगे बोल के, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमें ये समझ रखते हैं कि जो वर्कर है जो कैंडिडेट है उसका हक हम नहीं छीने। हम अपनी पार्टियाँ उतार कर उसके वोट बैंक को हम तोड़ कर उसका हक हम नहीं छीने, हम समझते हैं। और जहाँ पे हमें लगता है कि वो कैंडिडेट वेल एजुकेटेड है, हर चीज़ को लेकर काम कर सकता है, उसके पास उतना नॉलेज है और वो अपनी आवाज़ कॉरपोरेशन में उठा सकता है, उस कैंडिडेट को हम डिस्टर्ब नहीं किए। इसलिए हमने जहाँ पर काम किया है, जहाँ पर हमने अपना वक्त लगाया है, वहाँ पर हमने अपना कैंडिडेट को बिठाया है। मैं ये कह रहा था कि एक तरह से आवाम ज़हनी गुलाम नज़र आ रही है कि जिस तरह से जहर खोला गया है, या तो यूँ कहिए कि अगर मुस्लिम माशरे की बात की जाए तो वक्ती मुफाद देखकर लोग उस तरफ जाते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं रहती। तो यहाँ पर HDPI यकीनन तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि जिस तरह से काम उन्होंने किया है कि उसके लिए सफाई भी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और भी कर सकते थे ऐसा आपको नहीं लगता क्या? आपके सवाल की मैं बहुत दिल से जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं समझता हूँ कि आप मेरे जवाब का आप सहमति कर पाएंगे। देखिए, जैसे कि आप बेलगाम के लोगों को जानते हैं, बेलगाम के लोग किए हुए काम को जल्द भूल जाते हैं, जो सामने है उसे देखकर खुश हो जाते हैं, समझे ना। तो हमने जो भी काम किया है सतह ग्राउंड लेवल पर वो हमारे हिसाब से ओके है, बेटर है, और भी अच्छा कर सकते थे। आप बोल रहे हैं इंशाल्लाह हम इसकी कोशिश करेंगे कि और अच्छा करने के काम को। और जहाँ तक आपने कहा कि वक्त की वक्ती तौर का मफाद जो आप बोल रहे हैं,
ये मेंटेलिटी हमारी चेंज होना चाहिए। वक्ती तौर के मफाद को अगर हम देखेंगे तो हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को हम खड्डे में डालेंगे, उनके मुस्तकबिल के साथ हम छेड़खानी करेंगे और उनके फ्यूचर को हम बर्बाद करेंगे। देखिए, आप एक या दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को देखकर यह नहीं बोल सकते कि ये हमारे लिए सब कुछ है। क्यों? मतलब ये इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट रहेंगे या फिर दूसरे पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे, इनकी सोच सिर्फ कहाँ तक है? रोड बनाना, गटर बनाना और ड्रेनेज बनाना, पानी का इंतज़ाम करना, स्ट्रीट लाइट देना, ये हमारे बेसिक एमिनिटीज़ है, ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट हमें देना ही देना है किसी भी हाल में। इसके लिए हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लड़ने की ज़रूरत हमें कहाँ पे है? जो फैसिलिटीज़ हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, जैसे कि माइनॉरिटीज़ फ़ंड आता है, एजुकेशनल लोन आता है, पेंशन प्लान आते हैं, इसके ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं देता। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट से लड़कर हमारे लोगों तक, माइनॉरिटीज़ तक पहुँचाना हमारा हक है। तो ये काम सिर्फ एक एजुकेटेड और वेल प्लान्ड और वेल ट्रेंड कैडर ही कर सकता है, जो हमारी तंजीम तैयार कर रही है, जो हमारी SDPI पार्टी तैयार कर रही है उस कैडर को। तो मैं समझता हूँ कि मेरी राय और हमारी पार्टी की राय ऐसी है कि मैं वो कैंडिडेट सही हूँ। अगर पब्लिक भी अगर थोड़ा ध्यान दे हमारे काम के ऊपर, हमारे वर्किंग स्टाइल के ऊपर, हमारे डिसिप्लिन के ऊपर, तो पब्लिक को भी ये मैसेज जाएगा कि यही वो पार्टी है और यही वो कैंडिडेट है कि हमारा हक दिला सकता है। तो मैं आजीजाना गुजारिश करता हूँ सभी से, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैंने BBA कंप्लीट किया है और मैंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सोशल काम के लिए वक्फ कर दी है और मैंने बहुत सारा काम किया है। आप चाहे तो जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ वहाँ पर जाके उसका सर्वे भी कर सकते हैं, उसके बुनियाद पर चाहे तो आप हमें वोट कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि मेरी बात आप तक पहुँच चुकी है और मैं उस वोट का हकदार हूँ। SDPI पार्टी उस वोट का हकदार है, आप हमें वोट कीजिए। एक बात तो आपने सही कही कि कैडर बेस होना ज़रूरी है। सर, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आपसे मुखातिब हूँ कि जिस तरह से एक पूरी कौम बिखरी हुई नज़र आती है हर लिहाज से, SDPI काम कर रही है और इस तरह का काम भी होना चाहिए, किस तरह से मेंटेलिटी को चेंज करना चाहिए? जैसा कि आबिद भाई ने कहा कि मेंटेलिटी बदलनी चाहिए, लेकिन कैसे बदलेगी? हमारे पास क्या ऐसे वसाइल हैं जो लोगों को, जो ज़हनी गुलामी में जा चुके हैं, उनको वहाँ से बाहर निकालने के? देखिए, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी शुरू होकर 13 साल, ये जो हमारा 13 साल का सफ़र रहा, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा मेहनत उन लोगों पर की जो सियासी शऊर और सियासी एक प्लेटफॉर्म से बिल्कुल वंचित थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे 13 साल का सफ़र का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर्नाटक भर में 300 से ज़्यादा हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो हर 3 माह में एक बार उन लोगों की ट्रेनिंग होती है और उनको काम कैसे करते हैं, काम कैसे हम ले सकते हैं और हमारा हक कैसे मांग सकता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बदौलत आज पूरे कर्नाटक के अंदर हमारे 300 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर काम अंजाम दे रहे। ये कौम को ऐसी सियासत ये लोग कभी भी नहीं देखे थे। जैसे हमारी एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स देख रहे हैं तो SDPI से मुतासिर होकर सैकड़ों की तादाद में लोग हमें हमारी ताइद में आकर खड़े हुए हैं। तो एक हिसाब से आज पूरे कर्नाटक नहीं, पूरे मुल्क भर में एक सियासी बेदारी लाने का काम SDPI कर रही है, जिसके तहत आप हमारा रूटीन देखिए, इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो, हम लोग मैदान में रहते हैं। हर एक छोटे चीज़ पर हमारा एक एहतजाज होता है या कम से कम एक प्रेस रिलीज तो देता है। तो इंशाल्लाह हमारी ये सियासी बेदारी आने वाले दिनों में बेशक तब्दीली लाएगी, इस कौम को बराबरी का इंसाफ और बराबरी का एक हुकूक देने में SDPI कामयाब रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज की तरफ मैं जो बोल रहा हूँ, तो ये पूरा महफिल जमने की वजह क्या है बोले तो, पूरे 6 जमात मिलकर हमारे को बुलाकर पूरा, और वार्ड का जब परेशान 3-3 दिन बैठने की वजह से एक सीट पूरा हमारा आती नहीं बोल को, तीनों सीट पर करो दिन बोल को, एक सब लोग जमात वाले बोलने की वजह से मैं सो पीछे लेना पड़ा। और जरा क्या है मतलब, मैं इलेक्शन के बारे में क्या बोला, मैं पूरे लोग मिला के एक कैंडिडेट को लाना बहुत अच्छा ज़रूरी है, सही आदमी को चुनकर एक लेकर लेना करने से बहुत बेहतर है। आज कॉर्पोरेशन इलेक्शन के ताल्लुक से हमारे बदरुद्दीन शाह मस्जिद में एक मीटिंग हुई, जो 6 जमातों की, अमन नगर और हमारे गांधी नगर के 6 जमातों की मौजूदगी में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें अजीज़ भाई और मुझे भी बुलाया गया था। तो उसमें एक बात हुई कि एक सीट हमारी आना, और एक सीट आना तो इसके लिए क्या करना,
अगर हम सब लड़ते बैठेंगे तो सीट का प्रॉब्लम होता है, ये नहीं होना। हमारे वार्ड के लिए काम होना है तो हमें यहाँ से एक सीट करके जिता कर लाना। इसलिए मीटिंग में बात होने के बाद में एक बात तय हुई, मुझे भी बोला गया कि आप भी सपोर्ट करो। फिर अजीज भाई ने दिल बड़ा करके उन्होंने जो है ये जमात के सामने कुर्बानी दे करके उन्होंने अपनी सीट वापस ले करके मुझे सपोर्ट करने के लिए उन्होंने तैयार हुए और जमात वालों ने उसका शुक्रिया अदा किया। और मैं भी जो है अजीज भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी कामयाबी के लिए आप जो है हमेशा मेरे साथ रहे और साथ मिलकर चल करके वोटरों को मुझे वोट डालने के लिए कहें। अस्सलाम वालेकुम। आज बदरुद्दीन शाह मस्जिद के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें न्यू गांधीनगर और अमन नगर के 6 जमात मिलकर जमा हुए थे और हमारे दोनों कैंडिडेट अजीम पटवेकर और अजीज बालदार को भी बुलाया गया था। तो वहाँ पर ये मीटिंग में तय हुआ कि किसी एक को इलेक्शन में चुनकर लाएंगे, अगर दो जन मिलकर लड़ेंगे तो इसमें हमारी सीट आना थोड़ा मुश्किल है। तो पूरी जमात वालों ने, पूरे 6 जमात वालों ने अजीम भाई से ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि इस बार आप कुर्बानी दें और अजीज भाई को चांस दें। तो ये जद्दोजहद चल रही थी तो उस बीच में सभी के मुंह को ताला लगाकर अजीज भाई ने उठकर कहा कि सियासत में रहने के लिए जो सियासत में पहले से है, सियासत के जो काम कर रहा है अमन नगर का, न्यू गांधीनगर का जो डेवलपमेंट कर रहा है, उस आदमी को चांस देंगे। तो अजीज भाई ने कहा कि मैं पीछे हट जाता हूं और अजीम भाई को इलेक्शन में हम ठहरा करके पूरे जमात वाले अमन नगर, न्यू गांधीनगर, ओल्ड गांधीनगर और मारुति नगर सब मिलकर हम मेहनत करके इनको जिता कर लाएंगे, ये कहा है। मैं अजीज भाई का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। मैं अमन नगर का सदर हूं और हमारे अमन नगर के नायब सदर अजीज बालदार हैं, तो इनका तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूं कि हम अजीम भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो भी बदरुद्दीन शाह मस्जिद में मशवरा हुआ इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे अब्दुल अजीज़ भाई को, जो उन्होंने कुर्बानी दे करके इस लड़ाई में पीछे हटे और अजीम भाई को मौका दिया। वार्ड नंबर 12 और 13 के लिए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मोहतरमा अखला पठान जो है मैदान में हैं, लिहाजा आने वाले चुनाव में अगर वो जीतते हैं तो उनके पास क्या मंसूबे हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल खैर मकदम मैडम। तो अभी जो चुनाव हैं, कई सारे उम्मीदवार मैदान में हैं और मुल्की सतह की पार्टियाँ तक पहली मरतबा इस बार चुनाव में आएंगी, तो आप बताओ आज़ाद उम्मीदवार अगर जीतती हैं और जीतने के इम्कान कितने हैं, उस पर थोड़ा बताइए। मैं यहाँ पे जहाँ तक सभी जगह जा रही हूँ वहाँ से एक एक मसला निकल रहा है, तो मेरा डेवलपमेंट करने का इरादे से ही निकली हूँ मैं। जहाँ तक कोशिश पानी का जो मसला है, नाले का जो भी मसला है उससे पहले ही हल करूँगी। चुन के आने के बाद मेरा यही है पहला काम, जो पानी के लिए लोगों को तकलीफ़ हो रही है, घरों के अंदर पानी घुस रहा है और कॉरपोरेशन से हमेशा लड़ाई लड़ते आए ऐसा मेरे को बोल रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई में अभी मैं भी शामिल हो जाऊंगी तो मैं खुद खड़ी होकर पहला नाले का मसला हल करूंगी। और जहां तक आधे रास्ते किए हैं और आधे रास्ते नहीं किए वो पहली फुर्सत में वो भी मैं कम कर दूंगी। 25 साल के मेरे तजुर्बे में मैं यही काम करती हूँ, जो सोशल फील्ड में मैं यही मेरी जब तक मेरी लाइफ है तब तक मैं इस सोशल फील्ड में वही काम करूंगी जैसा मदर टेरेसा ने किया था, आज मैं उसी बुलंद पे हूँ और वैसे ही इंशाल्लाह मैं काम करूंगी। जो शिक्षा नहीं उनको मिल रही है उन गरीब बच्चों के लिए मैं हमेशा खड़ी होंगी और उनकी जो भी फ़ी वगैरह है तो वो भी मैं भर दूँगी। बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है और बच्चों के लिए अगर घर पर मुनासिब नहीं है, माँ बाप अगर बाहर काम करते हैं तो उन बच्चों के लिए मैं हॉस्टल ज़रूर करूँगी और हॉस्टल में कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ बच्चों के लिए रखना है और उनका जो भी एडमिशन करना है स्कूल में पढ़ाई के लिए कहीं पे भेजना है तो वो स्कूल में मैं एडमिशन कराऊंगी बच्चों के लिए और उनको तालीम देने की कोशिश करूंगी। एजुकेशन करना है ज़रूर और सभी ऑफिसर्स बनना है, यही मेरा ख्वाब है। हमारी कौम पीछे है, मैं इसे आगे लाने के लिए कोशिश करूंगी और हमेशा करूंगी, मुझे साथ दीजिए। किला पठान को वोट देना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो बहुत सारे काम बहुत सारे गरीबों के लिए बहुत हेल्प किए हैं और ये सब
बारिश के मामले में सभी ये घर पे पानी भी नहीं आता है, इसका कुछ तो भी हल निकालने के लिए हम वो मैडम को लाना चाहते हैं और हम सब चाहते हैं कि वही आना। ಏನೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ಅವರು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಮತ್ತು ಈ ಹೋಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಟನ್ನು ನಾವು ಅಖಿಲ ಪಟಾಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿ ತರಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಮ್ಮಿ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚೇಸಿ ಉನ್ಕು ಜಾನ್ತೆ ಹೈ ಉನ್ಕ ದಿಲ್ ಸಾಫ್ ಹೈ दिल दिल के अंदर कुछ भी नहीं है, उनके बुराई नहीं है, दोपना नहीं करते उन्हों, एक हक से एक मत से एक बात से एक जबान से उन्हों जो भी है काम करते हैं हक से, हमें जो काम करते हैं उनको हमें आगे लेकर आना चाहते हैं, इसलिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं दो नंबर वार्ड से आदिल बागलकोटी आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार रुका हूँ। मेरा चिन्ह है झाड़ू और तीन नंबर सीरियल है। मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि आप मुझे लीड से ले गएंगे जिदा के और मैं आपकी खिदमत में दिन और रात में हाजिर हूँ इंशाल्लाह। और कॉर्पोरेटर का काम सिर्फ यही नहीं है कि गटर पानी नल यही नहीं है, बहुत से फ़ायदे हैं, गवर्नमेंट के बहुत स्कीम हैं जो आप लोग तक नहीं पहुंचते हैं, वो सभी मैं आप तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह, वो मेरी जिम्मेदारी है। जीतेगा भाई जीतेगा, दिल भाई जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अय्यूब जकाती मस्जिद सलमान का प्रेसिडेंट अमन नगर से, और ये हमारी मस्जिद जो आती है वार्ड नंबर 38 वार्ड नंबर में जो है तीन कैंडिडेट जो दिग्गज हमारे अजीज भाई थे, फहीम भाई, आजिम भाई, और मेरे अंदर जो दर्द था, मुझे जो तकलीफ़ हो रही थी कि अगर हमारे तीनों कैंडिडेट अगर कॉन्टेस्ट करते हैं तो हमारे तीनों की लड़ाई का फ़ायदा कोई चौथा ना उठा ले, क्योंकि मैं बामसेफ का आदमी हूं और मुझे ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है। ईवीएम मशीन को टेम्पर करके घोटाला किया जा सकता है और उसमें ख़तरा ये था अगर तीन हमारे दिग्गज आदमी अगर रहते हैं तो ईवीएम की सेटिंग से ये तीनों को इक्वल किया जाता और सामने जो पार्टी है उस आदमी को अगर 4-5 वोट से भी जिताने के लिए उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। तो मेरे अंदर जो दर्द था, मेरी मुसलसल यही फिक्र थी कि किसी तरह तीनों में से कोई एक आदमी पीछे ले ले। तो हम लोगों ने जो है दूसरी जमात वालों ने भी हमारा साथ दिया। अजीज़ भाई माशाल्लाह बड़ा दिल करके जो है अपने आप को इस कॉन्टेस्ट से पीछे हटा लिए और अब जो है ये ईवीएम वालों को घोटाला करने का मौका नहीं मिलेगा। हमारी दुआएं फहीम भाई के साथ भी है, मैं फहीम भाई के स्टेज पर बैठकर ये कह रहा हूं कि हमारी दुआएं आजिम भाई के साथ भी है। देखते हैं कौन अल्लाह को राज़ी करता है और कौन जीत अपने नाम करवा लेता है। बस मेरी दुआ सबके साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
भाई मेरे को देखो पूरे छः जमातें मिलकर पूरे अमन नगर के छः जमातें मिलकर मेरे को आज मशवरा करे कि बाबा तीन जने बैठने की वजह से नुकसान आए, एक ले को कौन बता को जिता कर लेकर आओ, इसके वजह से मैं क्या किया मालूम है, अपने आप को मेरे वार्ड के वजह से मैं कुर्बानी देकर चढ़ दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है, अल्लाह करे इंशाल्लाह 6 तारीख को भी इसी खुशी को अल्लाह मेरे साथ आप तमाम की दुआओं के साथ बरकरार रखे। मैं अजीज़ भाई का बहुत बड़ा शुक्रमंद हूँ। पहला तो अल्लाह का शुक्रमंद हूँ, मेरे बड़े भाई ने मुझ पर तरस खाकर रहम खाकर मुझे एक मौका दिया है। मैं अजीज़ भाई की उम्मीद जो भी है, जो अजीज़ भाई करना चाहते थे काम, मैं इंशाल्लाह उनके काम को आगे बढ़ाऊँगा। इंशाल्लाह जमातों को और आवाम को और अजीज़ भाई को कभी नाराज़ नहीं करूँगा। अल्लाह से यही दुआ है कि कोई भी मेरे से नाराज़ ना रहे और मेरी आखिरत और मेरी मौत कलमे पर हो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज़ाद नगर वार्ड नंबर 20 से खड़ी हूँ। मेरा निशान है हीरा, बटन नंबर है 4। मेरा नाम हाजरा जिलानी अत्तार है। अस्सलाम वालेकुम, वार्ड नंबर 20 से हाजरा जिलानी अत्तार, फॉर्म भर चुकी हैं क्या? हम जो भी है आज़ाद नगर का काम करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोशिश करेंगे। आप हमें अपना कीमती से कीमती वोट दे के कामयाब कराइए क्या? और जो भी एजुकेशन का मामला है, या गटर की साफ करने का मामला है, या इलेक्ट्रिक का मामला है, या पानी का मामला है, इंशाल्लाह हम सब ठीक करके देंगे। आपसे सबसे गुजारिश है कि आप हमें अपना कीमती से कीमती वोट देके कामयाब कराइए। डायमंड